तरह की जो एलर्जी है। हाय गाइस, वेलकम टू एएम लाइफस्टाइल। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो आज जो है, आज मैं आई हूँ एक बात पूछने आप लोगों से। तो ये मैं करीब करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मुझे डेंगू हुआ था, तो उसके बाद ये हुआ है। पहले मुझे कभी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ये जो छोटे छोटे दाने हैं, वो मैंने आपको बताया था कि डेंगू के बाद होते हैं। ये सिम्टम्स जो हैं, ये हर डेंगू वाले को हुए हैं, तो इसलिए पता था। तो जो ये इस तरह के जो निशान नहीं है, एलर्जी सी है। तो इस तरह की जो एलर्जी है, वो आप लोग बताइएगा कि किसी को अगर डेंगू हुआ हो कभी, या पता हो तो बताइएगा कि ऐसा भी होता है और क्यों होता है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा मुझे। तो मैं जो हूँ वो डॉक्टर के पास नहीं गई हूँ। डॉक्टर के पास इसलिए नहीं गई हूँ क्योंकि जो है वो घर में ही एलर्जी की एक मेडिसिन हमारे पास पड़ी हुई है, डर्मोवेट। मैं वही लगा रही हूँ। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मामा ने मुझे कहा है कि डर्मोवेट जो है वो मतलब कि इसको ड्राई नहीं होने देना, इस पे सॉरी इस पे जो है वो डर्मोवेट लगा के रखनी है, रात को सोते वक्त भी और दिन में पूरा दिन भी इसको मतलब कि ड्राई नहीं छोड़ना, क्रीम लगे होना चाहिए, तो फिर ये ठीक होगा। तो दूसरी चीज़ ये है कि शायद फीवर होता है या डेंगू होता है, जो मैं खुद से सोच रही हूँ, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, वो आप लोग ही बताएंगे जिनको पता है कि उसके अंदर जो है वो हम पानी नहीं पीते, जूसेस वगैरह पीते हैं और वो भी इतना इनटेक हमारा नहीं होता। तो डेंगू में तो खैर हमें पीना पड़ता है, बट वैसे फीवर वगैरह में हम इतना एहतियात नहीं करते हैं पानी वगैरह की। तो जो है वो पानी का और जूसेस का जो है वो डिफरेंट है बेनिफिट्स। तो पानी का इनटेक जब नहीं होता तो वो बॉडी के अंदर जो है वो रिएक्ट करता है, तो उसकी वजह से भी ये शायद हो सकता है, बट मुझे एग्जैक्ट इसका नहीं पता कि ये क्यों होता है। तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा अगर किसी को पता है कि ये क्यों होता है और क्यों फीवर के बाद होता है या डेंगू फीवर के बाद होता है। क्योंकि दाने जो हैं वो तो मैंने आपको बताया था कि होते हैं रेड रेड, तो वो तो मेरी टांगों पे भी हैं, बाजू पे भी एक दो हैं और फेस पे भी मैंने आपको दिखाए थे, बट मुझे ये नहीं पता था कि जो है वो ऐसे भी होता है, ये जो मुझे हुआ है ये आप देख रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताइएगा ताकि जो है वो ठीक कर सकूं घर बैठे। क्योंकि जो है वो इंजेक्शंस वगैरह जब हम जाते हैं ना हॉस्पिटल डॉक्टर्स के पास, तो वो इंजेक्शंस वगैरह भी लगाते हैं जो हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए। स्किन तो ठीक कई दफ़ा कर देते हैं, कई दफ़ा नहीं भी होता, लेकिन जो है ना वो हमारे स्टमक और बॉडी के लिए बड़े हार्मफुल हो जाता है। तो इसलिए जो है वो अवॉइड किया करें आप लोग भी के हॉस्पिटल, ना ही इन चीज़ों के लिए जाएं जिनका आपको पता हो एलर्जी की कोई जो क्रीम वगैरह होती है वो ही लगाएं और इसको ड्राई बिल्कुल ना रखें। तो मैं तो यही कर रही हूँ, और पानी बहुत ज़्यादा पिएं अगर फीवर और डेंगू के बाद आपको ये हुआ है। और जिनको पता है प्लीज़ प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि ये क्यों होता है और किस लिए होता है, मतलब कि किस चीज़ की वजह से होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। इसी के साथ अगले व्लॉग में मिलेंगे। जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया वो भी कर दें, ताकि आपको ऐसे ही हमारी वीडियोस मिलती रहें और लोग भी हमारी वीडियोज़ को देख कर इंजॉय करें। थैंक यू गाइज़।